हाय गाइस, न्यूज़ ब्रदर्स तो खुद बात करते हैं सोशल नेशन के बारे में, जो कि एक फंक्शन रखा जाता है इसमें। और इसमें देखने को मिलते हैं कई सारे यूट्यूबर्स, और यहाँ तक कि कई सारे देखने को मिलते हैं एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो, कई सारे लोग देखने को मिले थे ना। और तो उसमें देखने को मिले थे उर्फी जावेद, मुनव्वर फारूकी और भी कई सारे यूट्यूबर्स भी देखने को मिले थे। लेकिन जब उर्फी जावेद जब स्टेज पे आती है और कुछ बातें बोलती है ना, और उसमें क्या कुछ कहती है, छोटी सी क्लिप सुन सकते हैं। By the way guys, मैं बता दूं, ये मेरा पहली बार है स्टेज पे। I have never ever performed on stage. मतलब मुझे, I can't even tell you, मैं कितनी nervous हूँ। I'm literally shitting bricks right now. मेरी फटी पड़ी है। सोशल नेशन में यहाँ तक कि पायल गेमिंग भी देखने को मिली थी, हालांकि उनके भी कई सारे वीडियोस वायरल भी देखने को मिले थे। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। देखिए, कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पराची निगम के बारे में। और पराची निगम जो कि यूपी बोर्ड से अच्छा खासा एग्जाम में उन्होंने नंबर लाए थे, देखा गया था कि वो हाई स्कूल में किस तरीके से नंबर लाए थे। 98.5% उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लेके आए थे, और उस वक्त उन्हें बेहद ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर्स लाए थे, बहुत ही ज्यादा उनकी वायरल भी थी और काफी लोग तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन इस वक्त उनको बहुत ही ज्यादा ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो फेस पे जो बाल वगैरह जो दिखते हैं ना, उसे लेकर काफी सारे लोग इस वक्त ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पे कई सारे लोग देखने को मिले हैं कि उनके सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि ये चीज बहुत ही ज्यादा वायरल देखने को मिली। तो यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रणवीर सिंह के बारे में। और रणवीर सिंह की एक वीडियो बेहद ही ज्यादा वायरल जा रही है, और उस वायरल वीडियो में देखने को मिलता है कि रणवीर सिंह बिल्कुल भी बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो गमछे वगैरह पहने रहते ना, तो इसे देखने से लगता है कि वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन यह एक डीप फेक वीडियो रहता है। वो क्या कहते हैं ना, छोटी स्क्रिप है, सुन सकते हैं। मोदी जी का पर्पस सही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें हमारी दुखी हुई जीवन और दर को, हमारी बेरोजगारी को, हमारी महंगाई को। हम क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब अन्याय काल की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारी विकास, हमारी न्याय को मांगना कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए सोचो और वोट। लेकिन इसी चीज को देखते हुए रणवीर सिंह ने इस पर लीगल एक्शन लेने की मांग की है, और यहाँ तक कि उन्होंने FIR भी दर्ज कर दी है। अगर इसमें जो भी शामिल रहेगा उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ये भी बोलते हैं कि आप सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, तो हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ इशारा हो रहा होगा। हालांकि ये एक डीप फेक वीडियो है जो कि बेहद ही ज्यादा वायरल भी जा रहा है। यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बादशाह के बारे में। और उनकी एक वीडियो बेहद ही ज्यादा वायरल भी देखने को मिली है, और उसमें देखने को मिली हानिया आमिर। और हानिया आमिर कौन है, वो है पाकिस्तानी एक्टर। हालांकि उनकी वीडियो बेहद ही ज्यादा इस वक्त वायरल भी देखने को मिल रही है, और यहाँ तक एक पिक्चर है जो कुछ समय पहले भी वायरल देखने को मिली थी, लेकिन उसमें बताया जाता था कि हानिया आमिर और बादशाह दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक हवा चला था, लेकिन ये रियलिटी नहीं था। लेकिन फिर से देखने को मिलते हैं हानिया आमिर और बादशाह, छोटी सी क्लिप है, इसे आप देख सकते हैं। ओके, कॉन्सर्ट 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 टाइम गाइस। हाय एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन दुबई। लेकिन इस पे कई सारे लोग पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग नेगेटिविटी भी मैसेज देते हैं। और इसी पे देखने को मिलते हैं मुनव्वर फारूकी के कमेंट। हालांकि इसमें कई सारे लोग का कमेंट भी देखने को मिले थे, तो इसे आप चाहो तो रीड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दिनेश मोहन जी के बारे में। और साथ ही साथ वो पेशे से एक्टर है, और यहाँ तक कि आर्टिस्ट भी है, और साथ ही साथ मॉडल भी है, और 65 ईयर के हैं। लेकिन वो इंस्टाग्राम पे कई सारी अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, लेकिन कई सारे लोग उनको गलत तरीके के भी मैसेज करते रहते हैं, हालांकि उन चीजों का वो रिप्लाई भी देते हैं, थोड़ा फनी रहेगा। छोटी सी वीडियो, इसे आप देख सकते हो। आप जैसे दादाजी को चुमा ही लगाएंगे दादाजी, क्या मतलब है आपका आप जैसे से? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, घर में बाप दादा नहीं है क्या तुम्हारे? आप जैसे दादाजी को कैसा हूं मैं? इतना तो अच्छा हूं, शरीफ हूं बिल्कुल, आपने बोल कैसे दिया आप जैसे दादाजी को? चलो जाओ जाओ यहां से,
अपने घर में अपने बाप दादा को छेड़ो। हाँ तो भाई ऐसे कौन कमेंट करता है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट तो बात करते हैं बड़ोदरा के बारे में, और वहां से निकल के आता है बड़ा ही शॉकिंग न्यूज। हालांकि दो दोस्त हुआ करते थे ना, तो उनमें से किसी एक दोस्त की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन सामने वाले बंदे को चिढ़ाया करता था कि तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ इस तरीके के मतलब अपशब्द इस्तेमाल किया करता था। और जिसके कारण से वो बंदा गुस्से में आ जाता है, और कुछ ही समय के बाद कुछ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं उसके ऊपर, कई बार वो अटैक कर देता है चाकू से। और ये चीज देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा वायरल देखने को मिली है। उसका अपना खास दोस्त था, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस चीज पे आप सभी लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं MDH और एवरेस्ट मसाले के बारे में, और इसकी न्यूज इस वक्त सोशल मीडिया पे बेहद ही ज्यादा वायरल देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मसाले के बारे में बताया जाता है कि इसमें कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे बैन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सिंगापुर में बैन किया जा चुका है, और यहाँ तक कि यह भी देखने को मिला है कि सिंगापुर के बाद हांगकांग में भी बैन देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मसाले से बताया जाता है इससे कैंसर का खतरा देखा जा सकता है। इस बारे में आप सभी यार क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिग बॉस OTT3 के बारे में, और बिग बॉस OTT3 की अनाउंसमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस वक्त ये चीज नजर आ रही है कि बिग बॉस OTT3 बहुत ही जल्द जियो सिनेमा पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जियो सिनेमा की तरफ से एक अनाउंसमेंट बेहद ही जल्द देखने को मिल रहा है, यानी कि 25 मई के आसपास। और उसमें ये चीजें पता चलेगा कि बिग बॉस OTT3 कब रिलीज हो सकती है और कब से लाइव देखा जा सकता है। तो ये चीजें बेहद ही जल्द देखने को मिल सकता है, तो एक्साइटमेंट है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के बारे में, और वहां पे एक दुकानदार निकला रहता है एक जुलूस देखने के लिए। उस जुलूस में देखने को मिलता है कि कई सारे लोग श्री राम के नारे लगा रहे थे ना, तो वहां पे एक दुकानदार अपनी दुकान से बाहर आते हैं, जबकि उनकी जेब में 36,000 रुपए रहते हैं। और वो अचानक से जब वो दोनों हाथ उठाकर जब वो नारा लगाता है ना, तो उनके जेब से कई सारे पैसे खाली हो जाते हैं। छोटी सी क्लिप है ना, वो क्या कहते हैं सुन सकते हैं। भाई साहब मैं वहाँ बैठा हुआ था दुकानदार, मैं सामने चला गया, रूप गोविंद जी का आदर था काफिला, मैंने कही जय श्री राम, और जय श्री राम कहकर बहुत भीड़ भाड़ थी काफी। जैसी मैं आया हाथ जोड़कर तो देखा तो मैंने जो हाथ मुकरा पैसे सारे गाय गए, एक रूपये नहीं। भाई साहब मैं वहीं गिर गया। कितने पैसे थे? 36,000 रूपये थे। यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। देखिए कई सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।